आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट द क्वेश्चन दैट आई हैव अ वन मोल ऑफ अ गैस इज सब्जेक्टेड टू टू प्रोसेस ए बी एंड बी सी वन आफ्टर द अदर एस वन इन द फिगर बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय ये जो बी से सी का जो प्रोसेस है इसका equation की है ना p to p v to the power n is equal to constant we can conclude that T is the temperature W is the work done by gas and V is the volume and U e is the internal energy okay so uh, we just have to uh, uh, go through the option ठीक है options ke through अपन बात करेंगे यहाँ पे तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो बोल रखा है कि जो A point का temperature है और जो B point का temperature है और जो C point का temperature है ये temperature सेम uh, है according to the option number one अगर मैं uh, का से बात करो तो पी वी कोल्डू टी होता है, तो कि जो जो हमारा है Nr. अब सिंपल से बी वाले पार्ट में ही देखो। तो ए वाले पार्ट पे अगर आप देखो तो प्रेशर और बी वाले पार्ट पे प्रेशर तो सेम है ठीक है एन भी सेम है नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है आर भी सेम है बट अपन यहाँ से क्या कह सकते कि जो बी वाले पॉइंट का जो वॉल्यूम है जो कि टी नॉट है और ए वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या है? आपका वी नॉट v तो भी ए से बी का ज्यादा होगा मतलब बी का टेम्परेचर तो तो भी ज्यादा होगा।, तो होगा विद रिस्पेक्ट टू तो ए क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में जो आपका है मतलब कि ए से बी में अगर देखें तो ये आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के किस पार्ट में तो ए से बी वाले पार्ट में इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर वन तो गलत हो गया कि ए और बी तो आपस में बराबर नहीं है बी ज्यादा है टेम्परेचर ए से ठीक है सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें बोला गया कि बी का वॉल्यूम ज्यादा है ए से ठीक है तो ये पार्ट तो भी हमें सही दिख रहा है कि बी का जो वॉल्यूम है बी का जो वॉल्यूम है इस पार्ट का वॉल्यूम ज्यादा है ए से बट इसका सेकेंड बोल रखा है कि बी का प्रेशर सी से ज्यादा है ठीक है मतलब कि सी वाला ये है जो सी है इसका प्रेशर अच्छा अगर आपको इस ग्राफ को रीड कर लो सिंपल सा तो ये वाला पॉइंट आपका प्रेशर बता रहा है

ए से बी वाले में देखो तो ए से बी में एरिया कितना आएगा तो आप बोलोगे ए से बी में एरिया इतना सारा आएगा यहां से लेकर के ये पूरा सा एरिया आएगा ठीक है ये ये एरिया एरिया आएगा पूरा पूरा का पूरा का बट से C में देखो तो एरिया देख रहे हो धीरे धीरे घटता जा रहा है तो आप सिंपली यहाँ से कंक्लूड कर सकते कि A हो कि ए से बी uh, का वर्क ज्यादा होगा बी से सी का क्योंकि आपका ए से बी तक का एरिया ज्यादा है और बी से सी तक का एरिया कम है ठीक है तो यहां से आप देख सकते हो कि ये बोल रखा कि वर्क डन बाई ए बी ए से बी का वर्क डन जो है आपका ज्यादा है बी से बी uh, uh, से सी आपका ये वाला ऑप्शन सही है ना ये वाला पार्ट सही है K से बी का वर्क डन ज्यादा है बी से सी तक का थर्ड आपका बोल रखा है कि बी का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है ए के तो आप सिंपली इंटरनल एनर्जी को कैसे रिलेट करते हो तो अपना जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिंपली एफ बाई टू एनआरटी होता है एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो व्हाट वी कैन से की जो इंटरनल एनर्जी है, है अब अभी, अभी हमने जस्ट देखा है तो इस ऑप्शन में देखे तो ये वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है करेक्ट दिख रहा है ठीक है सो सी एंड इज द करेक्ट वन ओके थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर